हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की जो है सूचना आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूं। आपको मैं बता दूं, सैलरी आपको यहां पे 1 लाख से भी ज़्यादा की मिलेगी। दो तरह की वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कम सैलरी मिलेगी और परमानेंट वाले पे 1 लाख से भी ज़्यादा की आपको जो है सैलरी देखने को मिल जाएगी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आपके दोस्त अगर उन्होंने भी जो है पीजी पीएचडी या फिर नेट वगैरह कुछ क्वालिफाई कर लिया है और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगे हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर साझा कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दें। पहली बार चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो चलिए पीडीएफ की ओर हम लोग चलते हैं। जो नोटिफिकेशन आया वो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे साझा में कर दूंगा। यहाँ से देख सकते हो आप, दो अलग अलग लेवल के लिए जो है पोस्ट आई हुई है। सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट, लेवल ऑफ पे और टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ भी उन्होंने बता रखा है। चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ से देख लो क्या बताया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, 70,900 रुपये आपको मिलेगा। एजीआर जो है आपका 6,000 रुपये का मिलेगा। टोटल वैकेंसी जो है टोटल 60 है। यूआर के लिए 33 है, ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 7, एसटी के लिए, वेट ए मिनट काटना होगा मुझे यहाँ पे, जी हाँ 6 वैकेंसी एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी यहाँ से आप देख सकते हो। आउट ऑफ टोटल वैकेंसीज इंडिकेटेड 5 पोस्ट आर रिजर्व फॉर पीडब्ल्यू, यानी कि जो फिजिकली चैलेंज पीपल हैं 5 पोस्ट जो है उनके लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। अब देख लो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए जो है ये परमानेंट वैकेंसी और इसके लिए 1,15,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एजीआर एजीपी जो है आपका वो 8,000 रुपये का दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं सैलरी या फिर टेंटेटिव डेट वगैरह जो है आगे पीछे हो सकती है वो सभी लिखते हैं। अब देखिए जिनको आवेदन करना है यहाँ पे देख लो, ये Q1, Q2, Q3, Q4 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक जो है वो डेट निकल चुका है, 31 मार्च ही आज ही है। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जो है दूसरा क्वार्टर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। हाउएवर कितना भी कम समय हो आपके पास हो अप्लाई कर देना चाहिए। दूसरे Q3 की बात करें तो देखिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं और चौथे क्वार्टर में 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए जो जानकारी यहाँ पे सामने आई है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए देखिए पीएचडी मांगा गया है, बीएससी मांगा गया है, एमएससी अगर आपका है ऑब्वियसली बात है एमएससी होना ही चाहिए और एमएससी पीएचडी जो है रिलेवेंट ब्रांच से होना जरूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें या बायो इन्फॉर्मेटिक या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए तो इसमें देखिए आपका जो है एमएससी एमएस या एमए होना चाहिए मैथमेटिक्स में या फिर एमएस डेटा साइंस में या फिर एमटेक इन मैथमेटिक्स में या फिर डेटा साइंस में तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बातें मांगी गई है क्या, बिल्कुल मांगी गई है। पीएचडी जो है रिलेवेंट में जो सब्जेक्ट है आपका उसमें होना जरूरी है, पीजी भी आपका होना जरूरी है। आगे देख लीजिए मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पे बातें बताई गई है। सब में देखो एक मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, सब्जेक्ट में एक करके बता देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपके सब्जेक्ट से रिक्रूटमेंट नहीं आती है तो पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, आर्किटेक्चर, सेंटर फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा सेंटर फॉर एक्सलेंस इन प्रोडक्ट डिजाइन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपको यहाँ से रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सब्जेक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। वेट अ मिनट, देखो और जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ से आप देख लीजिए, एनर्जी सेंटर में बीई या बीटेक जिन्होंने कर रखा है उनके लिए रिक्रूटमेंट है। खास करके जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी और पीएचडी होना जरूरी है यहाँ पे। आखिरी पोस्ट देखिए सेंटर फॉर एक्सलेंस इन वाटर मैनेजमेंट, इसके लिए भी बीई या बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और इसके लिए जो है पीएचडी भी मांग दी गई है। पीएचडी का होना जरूरी है, मैंडेटरी है यहाँ पे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अप्लाई कैसे करोगे ये देख लो, लिंक है recruitment.ma.nit.ac.in पे आपको जाना है, वहां से आप आवेदन कर सकते हो। कोई भी आपका मैटर होता है तो ईमेल आईडी यहां पे देखिए 2 ईमेल आईडी दे दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं फिर भी बता देता हूं, itsupports@staff.manith.ac.in पर आप जो है आवेदन कर सकते हैं। कोई टोल फ्री नंबर या फिर कोई नंबर वगैरह मिलता है तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू, वेट ए मिनट, एक मिनट, यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पीडीएफ भी इन्होंने अपलोड कर रखा है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे खैर आपको दे दूंगा, आराम से ध्यान से पढ़ लेना। जिनको आवेदन करने का जो है मन है वो आवेदन कर सकते हैं और मोबाइल नंबर वगैरह तो इनके वेबसाइट पर मिल जाएगा। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल 462003 से ये रिक्रूटमेंट आई है, ये इनका पिन कोड है। तो जिनको आवेदन करना है आवेदन कर लीजिए और टाइम बहुत है,
किस क्वार्टर में आपका अगर ग्रेजुएशन कुछ छूट रहा है तो आप डेफिनेटली जो है कंसिडर कर सकते हो। ये चार क्वार्टर में इन्होंने नौकरियां निकाली है आपके लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को लाइक करना है, साझा तो आप कर ही दोगे अपने दोस्तों के साथ, शेयर करना है ताकि उनको भी ये रिक्रूटमेंट की खबर पहुंच सके। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।